hello students be ready for science class i am jayesh patel hope you all are well and doing your study properly today we are going to start a new chapter that is chapter number 14 water student water it's a very common for all of us we all are know something about the water okay now, from this chapter, we are going to gather some more information about it. So, let's start chapter number 14 water. Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. Imagine what would happen? Would you be able to cook? क्लीन यूटेंसिल्स वॉश क्लॉथ्स और अ बाथ वॉट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू वॉट वुड हैपन इफ यू डू नॉट हैसेस टू वॉटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट मान लो कोई रीजन की वजह से आपको सिर्फ एक बकेट ही वॉटर मिलने वाला है वो भी सात दिनों तक तो आप ये वॉटर किस तरह से यूज करेंगे ठीक है आपको इसके बारे में सोचना है आप क्या क्या कर सकते हैं आप खाना पकाएंगे कि उससे बर्तन धोएंगे कपड़े धोएंगे कि उसको नहाने के लिए यूज़ करेंगे कि पीने के लिए यूज़ करेंगे ठीक है और व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान लो आप कोई गांव में चले गए हो जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल नहीं है हम हम लोग जो सिटी में रहते हैं वहाँ पे तो नल खोला तो पानी आ जाता है इसके लिए हमें पानी को कोई वैल्यू नहीं है हम लोग बहुत सारा पानी वेस्ट कर भी डालते हैं बराबर है पर मान लो आप गाँव में चले गए हो और वहाँ पर पानी एकदम इजीली अवेलेबल नहीं है बहुत दूर दूर से आपको पानी लाना पड़ता है वो भी पानी एकदम थोड़ा ही मिलता है तो वो टाइम पे आप क्या करेंगे नाउ अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मेनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर डिज इन फिगर फोर्टीन पॉइंट वन यू कैन सी वी कैन यूज वाटर फॉर बाथिंग फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एंड फॉर मेनी अदर परपजेज डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वॉटर वी यूज इन अ सिंगल डे ये स्टूडेंट डू यू हैव एन आइडिया आपको कुछ पता है इसके बारे में कि आप एक दिन में कितना पानी यूज करते हो येस yes, स्टूडेंट कुछ आइडिया है आपको चलो अभी आप एक्टिविटीज ले लो एक चलो लेट्स फर्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी फर्स्ट लिस्ट ऑल एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे आप जो काम के लिए पानी यूज करते हो सब एक्टिविटीज़ को एक पेपर पे नोट कर लो सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल फोर्टीन पॉइंट वन मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूजड फॉर इच एक्टिविटी बाई यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स यू में यूज अ मग अ ग्लास अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वॉटर यूज बरबर है आप कोई मग है ग्लास है उससे आप वॉटर मेजर कर सकते हो मान लो कि आपने एक बकेट भर के पानी लिया नहाने के लिए बरबर है तो बकेट में कितने ग्लास वॉटर है कितने मग वॉटर है देट ये टू मेजर ठीक है तो देखो यहाँ पे यू फिल दिस टेबल डिस्टेबल फोर्टीन पॉइंट वन एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय योर फैमिली इन अ डे दैट इज फॉर ड्रिंकिंग ब्रशिंग बाथिंग वॉशिंग यूटेंसिल्स वॉशिंग क्लॉथ्स टॉयलेट्स क्लीनिंग फ्लोर्स, एनी अदर एंड टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाय अ फैमिली आपके पूरी फैमिली ने मिलकर इसमें कितना वॉटर यूज किया है इसको आपको यहाँ पे एक रफ फिगर मिल जाएगा ठीक है ना you know sorry you now have a rough idea as to how much water your family uses in a day can you estimate the amount of water used by you for a personal cleanliness in a day using this information calculate the amount of water needed by your family in a year now this is the water used in a day so multiplied by 365 that is the water यूज बाय योर फैमिली इन अ सिंगल ईयर और द वॉटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ सिंगल ईयर नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिलीज ओके बाद में एक साल में जितना पानी है उसके आपके घर में कितने जने चार जने तो उसको चार से डिवाइड करो तो उसका मतलब क्या हो गया एक पर्सन ने कितना पानी यूज किया वो आपको पता चलेगा दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लाइव इन योर विलेज और अ टाउन दिस विल गिवेन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर नीडेड बाई वन में फैमिली इन अ इर फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लाइव इन योर विलेज और टाउन अभी आपके गाँव में एस्टिमेटली या तो आपके बिल्डिंग में आपकी सोसाइटीज में कितने परसेंट रहते हो रहते हैं वो काउंट कीजिए बरबर है फिर आपको एक पर्सन का कितना लीटर का यूज मिला था रफली उसको मल्टीप्लाई कीजिए मान लो आपकी पूरी सोसाइटी में फाइव हंड्रेड परसेंट रहते हैं तो उसको फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कीजिए इज इट क्लियर नाउ यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर नीडेड बाई योर विलेज और टाउन इन ए ईयर तो आपका पता चल जाएगा कि आपके टाउन में या तो आपके विलेज में या तो आपकी सोसाइटीज में टोटल कितना लीटर पानी यूज होता है पूरे साल में

For making fabric, come from plants. Is water not needed to grow this? Can you think of some more uses of water? Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So, we need water not only for our daily activities but also for producing many things. स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ हम जो खाना खाते हैं जो कपड़े पहनते हैं जो मटेरियल यूज करते हैं सभी चीज बनाने के लिए पानी लगता है वॉटर इज नीडेड फॉर ऑल द एक्टिविटीज नाउ फोर्टीन पॉइंट टू वेर डू वी गेट वाटर फ्रॉम हमें पानी कहाँ से मिलता है वेर डू यू गेट द वॉटर देट यू यूज Some of you may say we draw water from a river, spring, pond, well, or a hand pump. Some others might say we get water from taps. Have you ever wondered where water in the taps comes from? आपको मालूम है हमारे हमारे घर पे घर पे हम लोग जो नल यूज करते हैं तो नल में पानी कहा से आता है आप बोलेंगे सर ओवर हेड टंकी में से आता है तो फिर ओवर हेड टंकी में पानी कहां से आता है यस दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज हैल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक और अ रिवर और अ वेल इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स इट इज गिवन स्टूडेंट इट इज गिवन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू फिगर फोर्टीन पॉइंट टू वॉटर इन टैप्स कम्स फ्रॉम रिवर्स लेक्स बोरवेल्स और वेल्स यहाँ पे आपको एक पॉन्ड में दिखा हुआ मोटर फिक्स की है तो मोटर में से पाइप के थ्रू पानी आपके यहां से ऊपर होके आपके बिल्डिंग में ऊपर आ जाता है फिर ये ओवरहेड टंकी में से आपके हर एक घर में बिल्डिंग के हर एक फ्लैट में पानी पाइप के थ्रू पहुंचाया जाता है इज इट क्लियर नाउ ईच ऑफ अस may be getting water into our homes in different ways. But finally, all of us get water from the same sources such as pond, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the source of water. Where does the water come from to fill this pond, lakes, rivers and wells? Student, बुजो का एक क्वेश्चन आया है बुजो वॉन्ट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ वेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज नॉट अवेलेबल मान लो आपकी लाइफ में एक आध दिन ऐसा आया है कि जिस दिन आपके घर पे नल में पानी नहीं आता है सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस तो आपको भी पानी आपके दूर से लाना पड़ेगा वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे आप डेली जो पानी यूज करते थे जब भी अपने घर पे नल में पानी आता था अब जितना पानी यूज करते थे उतना ही पानी जब भी आपको बाहर से भर के लाना है तभी आप यूज करेंगे यस फ्रेंड प्लीज थिंक ऑन इट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ डू यू नो दैट अबाउट टू थर्ड ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वॉटर मोस्ट ऑफ़ दिस वाटर इज़ इन एंड सीज़ अपनी जो पूरी अर्थ है उसके टू थर्ड पार्ट में वाटर है सिक्सटी सिक्स परसेंट पार्ट में वाटर है लैंड तो सिर्फ थर्टी फोर परसेंट में ही है थर्टी थ्री से थोड़ा ज्यादा थर्टी थ्री से थर्टी फोर परसेंट में ही लैंड है बाकी तो सब जगह पे पानी पानी है आपने देखा रहेगा ना द वॉटर इन द ओशन एंड सीज हैज मैनी सोल्ट डिजोल्व इन इट वॉटर इज सलाइन आपने समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया है वो खारा खारा रहता है ना कि उसके उसके अंदर बहुत सारा सोल्ट डिजॉल्व हुआ है सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स इसकी वजह से हम लोग ये खारा पानी हम लोग घर के अंदर या तो एग्रीकल्चर में या तो इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते हैं. यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन ऑफ द poem, rhyme ऑफ द ancient मरीनर written बाय एस टी Coleridge इन 1798. Water, water everywhere, not एवरीवेयर drop एनी ड्रॉप टू ड्रिंक है ना मान लो आप एक शिप में बैठ के समुद्र में गए हो और शिप वहां पे बंद हो गई है और शिप में थोड़ा भी पानी नहीं है और आपको प्यास लगी है तो आप पानी कहाँ से लाएंगे आपके ओर वॉटर ही वॉटर है है ना पर उसमें से पीने के लिए पानी तो वो थोड़ी पानी काम आने वाला है नहीं ना तो आप कौन सा पानी पियेंगे सो वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक बराबर है एक ड्रॉप भी नहीं है आपके पास पीने के लिए फिर भी आपकी चारों ओर पानी ही पानी है हियर द पॉइंट हैज डिस्क्राइब दी प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओसन है ना यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने यही बात बतानी चाहिए एक शिप में एक सेलर्स गुम हो जाता है उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है नंबर एट ओसन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वॉटर डेट वी यूज डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग हम जो डेली वाटर यूज करते हो कहाँ से मिलता है वो ओसन में से ही मिलता है है ना सरप्राइजिंग आफ्टर ऑल द वॉटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी और हम जो पानी हमें मिलता है वो सोल्टी तो नहीं है मेनी ऑफ अस लिव इन अ प्लेस फॉर फार अवे फ्रॉम द ओसन डज द वॉटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओसन बरबर है जो एकदम दूर दूर रहते हैं वहां पे भी पानी आता है उनके पास भी पानी है तो सब पानी ओशन में से उनके पास आ जाता है दे आर डिपेंड ऑन द ओशंस वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशंस हाउ डज ओशन्स वाटर रिच पॉइंट्स लेक्स रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई इज वाटर जहाँ से हमें पानी मिलता है वहाँ पे ओशन का पानी कैसे जाता है वहाँ पे हाउ कम वॉटर फ्रॉम दिस सोर्सिस इज नॉट सलाइन एनी मोर हमें यहाँ से जो पानी मिलता है वो पानी तो खारा नहीं है दैट इज वो सलाइन वॉटर नहीं है तो मीठा पानी है दैट इज वेयर द वॉटर साइकिल कम्स इन स्टूडेंट वी विल सी द डिटेल्स इन डिटेल्स अब वॉटर साइकिल इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय